प्रकार की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जो एपटेक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसको ये टेंडर दिया गया है, मैं उस दिन भी इसके पक्ष में नहीं था कि एपटेक का कोई पास्ट रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हेलो दोस्तों, रविंदर रैना जो कि बीजेपी के एक बहुत ही बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर से, इनका एक और इंटरव्यू सामने आया है जहां पर इन्होंने एपटेक के बारे में, जेके एसएसबी के बारे में और आने वाले एग्जामिनेशन के बारे में और जो पेपर लीक और स्कैम हो रहे हैं उनके बारे में और ब्लैक लिस्टेड और करप्शन के बारे में अपनी बात कही है। इन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और आपकी राय भी जरूर शेयर करें जो इन्होंने अपनी बात कही है इस इंटरव्यू में। तो दोस्तों, पहले आप ये इंटरव्यू सुने और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों? मैंने खुद कहा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और क्या रिश्ता कहलाता है एपटेक कंपनी का? मेरी बात सुनिए, हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर। देखिए मेरी बात सुनिए, रश्मि जी, जहां तक मामला है एपटेक रिक्रूटमेंट एजेंसी का, जिस रोज जिस दिन एपटेक कंपनी ने चूंकि टेंडर भरा था और एक लीगल प्रोसेस से उसको टेंडरिंग होने के बाद उसको ये सारी असाइनमेंट मिली थी, तो लेकिन उस दिन भी मेरी एप्रीहेंशन थी। मैंने उस दिन भी इस जो एपटेक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसको ये टेंडर दिया गया है, मैं उस दिन भी इसके पक्ष में नहीं था। चल क्या रहा है? सुनिए ना, और मैंने हर जगह ये बात रखी थी कि एपटेक का कोई पास्ट रिकॉर्ड ठीक नहीं है। फिर ये कहा गया कि जितने टाइम के लिए इसको बैन किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, ब्लैकलिस्ट किया गया था, वो ड्यूरेशन इसका खत्म हो गया। फिर भी मैंने कहा था कि हमें फ्रेश टेंडर करनी चाहिए और कोई नई रिक्रूटमेंट एजेंसी देश में एक ही एजेंसी है क्या सर? सुनिए ना, देश में एक ही एजेंसी है। रश्मि जी, टेंडर हुआ था ना, टेंडर एक ही कंपनी को देना है क्या? देना नहीं है, जो वही तो कह रहे हैं सर, टेंडर की एक प्रक्रिया होती है ना, एक ही कंपनी उसमें फाल करती थी सर, उसमें 10 कंपनीज ने डाला होगा, जो L1 होगा उसको मिला होगा ना। कोई अगर मर्डर करता है तो जब वो बाहर आता है, हाँ, सुनिए उसमें ये रूल होना चाहिए टेंडर डालने में कि इस प्रकार की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जो ब्लैक लिस्टेड है उसको बाहर फेंकना चाहिए। और तो मैं तो ये कहता हूं इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट घोटाले के बाद सीबीआई ने मामले की छानबीन की और छापे के ऊपर छापे, 20 के ऊपर लोग गिरफ्तार करके जेल में डाले। ये बीजेपी की सरकार है जो चोरों को, गद्दारों को, बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को और काला बाजारी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाता है। अभी तो रिक्रूटमेंट, मेरी बात सुने ना, अभी मेरे ख्याल में 15-16 दिन रह गए हैं रिटर्न टेस्ट के, और जो एडमिट कार्ड्स हैं, एडमिशन कार्ड्स हैं, वो भी एस्पिरेंट्स को भेज दिए गए हैं, तभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके मेरे ख्याल में 15-16 दिनों के अंदर अंदर उनके रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाले हैं। मैंने खुद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान राजेश शर्मा साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो इस सारी प्रक्रिया को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एप्रीहेंशन उनको ये है कि जो बच्चों के रिटर्न एग्जामिनेशन नौकरियों के लिए 12-15 दिनों में शुरू होने हैं, वो फिर 2.5-3 महीने के बाद ना चले जाएं। मैंने उनको पूछा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, भ्रष्टाचार, जालसाजी, काला बाजारी नहीं चलेगी। उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन तो मैंने उनको यह भी कहा, दो बार तो हो चुका है, मैं तो कोई एपटेक कंपनी का कोई हमदर्द नहीं हूं। फिर कौन हमदर्द है जो उन्हें लगातार उन पर वो जो हमदर्द है उससे पूछो ना, मैं हमदर्द नहीं हूं। वही तो मैं तो कहता हूं सीबीआई इंक्वायरी करो आपकी ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है कि भ्रष्टाचार से मुक्त करना है देश हमारा जम्मू कश्मीर। वही तो कह रहे, फिर भ्रष्टाचारी कंपनी को किस पर हाथ, किसका हाथ है भ्रष्टाचारी कंपनी के सर पर? कौन है जो तानाशाही कर रहा है सर? ये हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है जो आज हम आपसे कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं,
मेरे माइंड में पूरी क्लैरिटी है, कोई भ्रष्टाचारी, जालसाजी, बेईमान, गद्दार, चोर, डाकू, इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए जो गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, जो ईमानदार और मेहनत कश हमारे नौजवानों के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी, बेईमानी, गद्दारी करेगा उसको फांसी पर लटकाना चाहिए। आप पर भी क्या किसी का दबाव है क्या, ये साफ तौर पर हम पूछेंगे सर, क्योंकि एक ट्वीट आया था, युवाओं ने काफी सराहा उस ट्वीट को। तो मेरी बात सुनो, मैं आज वो नहीं सुनी, कुछ ही देर के बाद ट्वीट वो गायब हो गया। आपके दबाव आपके ऊपर भी है सर, ये देखिए कोई दोराह नहीं इसमें कहने का, मन की बात मेरी बात सुनिए। मेरे मन की बात ये है, रविंदर रैना टाइगर है, टाइगर क्या बात करती हो, टाइगर ही रहे टाइगर। फिर ट्वीट क्यों डिलीट किया बताइए ना, किसके कहने पे आपने किया सर बताइए, ये युवा पूछ रहे हैं हमारे, पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं, ट्वीट क्यों डिलीट किया, इससे बड़ा ट्वीट क्या है मुझे बताओ सर, सर के सामने बोल रहा हूँ, वही तो कह रही हूँ, डिलीट क्यों बता दीजिए, क्यों किया, रीजन बताइए ना, किससे कहने पर किया। आप तो युवाओं के इंस्पिरेशन है, युवा आपसे उम्मीद रखते हैं, युवा नहीं बल्कि जनता करती, वो तो कहती है आने वाला सीएम हमारा रविंदर रैना जी होने चाहिए। एक बात बोलूं, बोलिए दो बोलिए, आप सुन रही है, दो बोलिए, एक के साथ एक फ्री। देखो जहां तक ईमानदारी की बात है ना जी, हम फक्कड़ हैं, गरीब हैं, साधु सन्यासी टाइप हैं, योगी टाइप हैं, लेकिन किसी के घर से दो रोटी मांग के खा लेंगे, भ्रष्टाचारियों को किसी सूरत पर नहीं बख्शेंगे। कह रहे हैं आप टप कर, इतनी मेहरबानी, जालसाजी निकालिए, बार फेंकी ना उसका, काला बाजारी करने वालों युवा पंद्रह जेल की सलाखों के पीछे बंद करूंगा सर, वो तब होंगे जब होंगे, युवाओं का बेड़ा गर्क ना हो रहा है, हो जाएगा। कह रहे हैं कि नहीं होगा, क्या रिश्ता कहलाता है, इस तरह का माहौल था, लड़कियों को घसीटा जा रहा, पुलिस डंडे मार रही है। दुख हुआ, मेरी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, किसकी तानाशाही अगर चल रही है ये तो जरूर जानेंगे। क्या आज आप करना चाहते हैं, पर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपकी सुनवाई नहीं है, ये दो चीजें हैं, क्योंकि जनता को स्पष्ट कर दी ना, फिर जनता भी उसी तरह से आपसे उम्मीद रखेगी। सब फड़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। कदू फड़े जाएंगे, पेपर हो जाएंगे फिर सर, एपटेक कंपनी, कोई भ्रष्टाचारी कह रही है, बात सुनो, युवा कह रहे हैं पेपर देने के लिए तैयार है, एपटेक कंपनी को उठाकर बाहर फेंकिए, क्या इतना दम रखती है भाजपा? देखिए मैं चेयरमैन साहब से बात करूंगा, मेरे घर में और यहाँ ऑफिस में जेके एसएसबी के आदेश चलते हैं। सुनिए, जहाँ जेके एसएसबी का आदेश, मेरी बात सुनिए ना, मेरे ऑफिस में और मेरे घर में जो ये जो प्रदर्शन कर रहे हमारे नौजवान युवा हैं, हमारे भाई बहन हैं, ये मेरे घर में भी आए थे, ऑफिस में भी आए थे, मैंने उनसे मुलाकात भी की। कुछ मांग रहे हैं सर, क्या मांग, वो कुछ नहीं मांग रहे, वो एक उनको एक एप्रीहेंशन है कि कहीं ये जालसाज दोबारा जालसाजी ना करे। दो बार तो पेपर में यहीं पे लीकेज होगी, तो आप और कितना कैसे विश्वास करें कि दोबारा खिलवाड़ नहीं होगा भविष्य का, सारे अमीर घरों से खिलवाड़ करने गरीब वालों को, जिनके माँ बाप दिहाड़ी लगाते हैं पैसा देके उनको ट्रेन, इंसाफ होगा, इंसाफ। एपटेक कंपनी बाहर होगी या नहीं होगी, देखिए ये बता दीजिए, एपटेक कंपनी बाहर होगी या नहीं होगी, एलजी एक बार मैं अपने इन हड़ताली बच्चों से बात करूंगा कि ये टेंडर रद्द करने के बाद 3-4 महीने का गैप लग सकता है जी। अगर गवर्नर साहब और चेयरमैन साहब हम ये एश्योरेंस देते हैं कि 0.1% की भी धोखाधड़ी नहीं होगी, तो फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी कोई भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे नौजवानों को भी कोई उसमें एप्रीहेंशन नहीं है कि सिर्फ उनको भी कोई ये नहीं है कि फलां कंपनी होनी चाहिए, उनको ये एप्रीहेंशन है कि कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए। बड़े बुजुर्गों की कहावत, आंख देखकर जहर नहीं खाया जाता, तो कैसे युवा एपटेक पर विश्वास कर ले, वो एलजी थोड़ी जानते, एलजी के बच्चे थोड़ी वहां पे है, या जेके एसएसबी के जो चेयरमैन उनके बच्चे थोड़ी वहां पर है, ये तो आम जनता के गरीब लोगों के बच्चे हैं जो सड़कों पर बेटियां हमारी डंडे खा रही हैं। ये किस तरह का निजाम है सर, किस तरह का चल रहा है निजाम बताइए, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं असर पड़ेगा आने वाले कभी इलेक्शन जब भी होंगे? इलेक्शन इसमें कोई मैंने कोई बीजेपी ने किस कंपनी को लाया है क्या सर, मैं तो इसको बाहर निकालना चाहता हूँ सर, केंद्र सरकार तो, आपकी एक आदेश पर एडमिनिस्ट्रेशन एपटेक कंपनी को, किसके हाथ में है सर, एपटेक को आपकी चाबी किसके हाथ में है, एपटेक कंपनी को रावी के पार करना चाहता हूँ। कैसे सर, वो चाबी कहाँ से आएगी, एलजी साहब की चाबी तो केंद्र के पास है, केंद्र के पास नहीं है जी, यानी एलजी साहब ऑल इन ऑल खा रहे हैं देश को, वही सब कर रहे हैं, मतलब उनको वो किसी की सुन नहीं रहे, एलजी साहब ही शासन चला रहे जम्मू कश्मीर पर, मतलब उनके ऊपर कोई नहीं है।
मेरी बात सुनो, ये तो तानाशाही सर होगी ना। बात है एपटेक कंपनी की, बिल्कुल बात है भ्रष्टाचार, बेईमानी, गद्दारी, चोर बाजारी, जालसाजी की, वही की जो युवा वो नहीं होने देंगे। सर आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, जालसाजी, बेईमानी, गद्दारी, चोरी को, ये किसी सूरत में नहीं होने देंगे। एपटेक उठाकर बाहर फेंकेंगे इस भ्रष्टाचारी कंपनी को, जो जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, जो कत्ल करके आता है सर, जब जेल का कोई भ्रष्टाचार करने की, अगर कोई भ्रष्टाचार करने का सोचेगा भी तो जेल की सलाखों में बंद होगा, चाहे वो कोई हो, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो। देखिए मेरी बात सुनिए, देश कानून से चलता है, देश कानून से चलता है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। क्या बात है। तो दोस्तों ये आपने रविंद्र रैना की बात सुनी और यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, उसको बख्शा किसी भी हाल में नहीं जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि मैंने एपटेक के बारे में पहले भी कहा था कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है यानी प्रीवियस रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड है, वो ठीक नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आपको एक और अपडेट मैं यहां पर देना चाहूंगा, हालांकि मैंने पहले भी कहा है, वो ये है कि जो आज FAA का केस था, उस केस में आज हियरिंग हुई और जो ऑर्डर है उसको रिजर्व किया गया है, और केस में जो FAA का एग्जामिनेशन होने वाला है उस पे स्टे लगाने की मांग की गई है प्रीवियस जो सिलेक्टिव थे उनकी तरफ से। तो कब जजमेंट आएगा, क्या कुछ किया जाएगा, तो जो ही कोई इंफॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ अकॉर्डिंगली शेयर करूंगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Take care, everyone.